नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से धर्म के नाम पर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, यह इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने आरोपियों को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस हत्या की आलोचना की है, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी का खून बहाना किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उदयपुर में निर्मम हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दी हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है। जब भी कोई घटना घटती है तो अपना पल्ला झाड़ते हुए खुद के दामन को पाक दिखाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्याकांड के बाद भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कन्हैयालाल के हत्यारोपी रियाज अत्तारी के संबंध बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया समेत कईयों से थे। उन्होंने ये भी कहा है कि रियाज बीजेपी के राजस्थान अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होता था। इसकी तस्वीरें भी अब दुनिया भर के सामने आ चुकी हैं। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। यहां तक कि आपको बता दें कि एक दिन पहले ही आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रियाज अत्तारी को लेकर एक खुलासा किया था। आज तक की टीम उस शख्स तक भी पहुंच चुकी थी जिसकी मदद से रियाज बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होता था। उस शख्स का नाम है इरशाद चैनवाला। इरशाद चैनवाला राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है। करीब 3 साल पहले एक तस्वीर ली गई थी जिसमें रियाज के साथ इरशाद नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी किया है और एक बयान में कहा है कि इन तस्वीरों और खुलासों के बाद कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या बीजेपी और उसके नेता पूरे देश में धार्मिक उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब भी बीजेपी नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिशों पर चुप्पी साधे रहेंगे? तीसरा, क्या बीजेपी अपने प्रवक्ताओं और नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? चौथा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस केस को एनआईए को ट्रांसफर करने का स्वागत किया, पर नए तथ्य आने पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार ने इन्हीं कारणों से इस घटना को जल्दबाजी में एनआईए को ट्रांसफर करने का फैसला किया है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता गुलाब चंद्र कटारिया ने सफाई दी है। कटारिया ने कहा है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक विंग के कार्यक्रमों में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैंने अपराध किया है तो मेरे खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवा सकते हैं। फोटो क्लिक करवाना अपराध है तो कानून के अनुसार कार्रवाई भी करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चैनवाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूँ, और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उस कार्यक्रम में जरूर गया हूँगा। अब उसमें कौन मेरे साथ फोटो में खड़ा हो जाता है, ये न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में। और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराध हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी एक अपराधी मुकदमा दर्ज कराएं, और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटो साथ होने को कानून में गुनाह मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। तो सुना आपने बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और कन्हैया लाल के हत्यारे का लिंक बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया इसका जवाब देते हुए इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। चलिए खबर के अंत में आपको दोनों ही नेताओं के बयान सुनाते हैं। दोनों ही नेताओं को ध्यान से सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। सर्वप्रथम तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी
इस विभत्स कांड की निंदा करती। अशोक गहलोत जी ने, उनकी सरकार ने 6 घंटे के भीतर भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज 6 बजे शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई, इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में भेज दिया है। जांच में जो उभर कर आया उस आधार पर अशोक गहलोत जी ने खुद ही NIA को पूरा सहयोग देने की बात की है। और जो माहौल खराब किया जा रहा है, पूरे देश भर में किया जा रहा है, अजय जी ने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, उस पर अशोक गहलोत जी पिछले 2 महीने से कई बार सार्वजनिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को आह्वान कर चुके हैं कि आप राष्ट्र के नाम संबोधन कीजिए, आप नफरत इस समाज में जो बढ़ रही है उसको रोकने की कुछ कदम उठाइए, आप शांति बनाए रखने की अपील पूरे देश में कीजिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको पोलराइजेशन स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हम भी बहुत घूमते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हर जगह आपको यही विवाद की बात क्यों सुनाई देती, पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों है। ये तमाम सवाल हैं, तमाम पहलू हैं जिन पर हम सबको अब विचार करना होगा। आपने पुलिस इनएक्शन के बारे में पूछा, तो जैसा मैंने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार को अपने राजधर्म का पूरा ज्ञान है। तुष्टिकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं, 2017 राजस्थान राजसमंद जिले में शंभूलाल रेगर ने एक वीडियो बनाया किसी का कत्ल करते हुए और उसको वायरल किया। उस शंभूलाल रेगर के पक्ष में एक पार्टी विशेष के लोग, मेरा शहर है उदयपुर, उसमें अदालत के गुंबज पे चढ़ के तिरंगा हटा के अपना झंडा फहराया। तुष्टिकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं, सुबोध सिंह पुलिस का अधिकारी अपना काम कर रहा था उत्तर प्रदेश में, उसकी निर्मम हत्या हुई और हत्यारों का स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ, उनका महिमा मंडन हुआ। तुष्टिकरण की बात करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या हुई, उसकी सुरक्षा किसने कम की थी। जो तुष्टिकरण की आज बात कर रहा है उसको मैं याद दिला दूं, 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई है अशोक गहलोत की सरकार ने की है। जो तुष्टिकरण की बात करते हैं उन्हें मैं याद दिला दूं, राहुल भट्ट के हत्यारे कश्मीर में कहां है, क्या कार्रवाई हुई उन पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सुबोध सिंह के हत्यारों का माल्यार्पण क्यों हुआ। अखलाक के हत्यारे की जब मौत हो गई डेंगू से, उसकी लाश पे तिरंगा रखने कौन गया था, महेश शर्मा गए थे। यह तुष्टिकरण की बात करेंगे हमारे से। कांग्रेस सरकार संविधान से बंधी हुई सरकार है और हर सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने वह किया, करके दिखाया, 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई। ना मजहब देखा जाएगा, ना धर्म देखा जाएगा, ना जाति देखी जाएगी, ना वर्ग देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। उदयपुर के उस क्रिमिनल का कोई हमारे साथ भी फोटो होने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का 77 से काम करता हूं, उदयपुर में MLA भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चेन वाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूँ, और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उस कार्यक्रम में जरूर गया हूँगा। अब उसमें कौन मेरे साथ फोटो में खड़ा हो जाता है, ये न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है।
और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराध हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी एक अपराधी मुकदमा दर्ज कराएं, और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटो साथ होने को कानून में गुनाह मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम करते हुए मेरा धर्म बनता है, मेरे लिए आवश्यक है, मैं करता हूँ, आज भी जाता हूँ, पहले भी जाता था।